स्वागत है आपका ऑल इन वन क्लासेस में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हम, प्रैक्टिस सेट 1.2 का। 3x - y = 2 और 2x - y = 3। तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू पुट कर डालते हैं। तो x की वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ, देखिए इसमें पुट करूँगा मैं 0। फिर से एक बार राइट कर लेता हूँ, इसमें पुट करूँगा 0, 1 और -1। और इसमें भी मैं मन से पुट कर डालता हूँ इसमें 3, 2, -1। ये वैल्यू मैंने लेके रख दिया, यानी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ मैं, टेकिंग इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास में, 3x - y = 2। तो देखो हम सबसे पहले लेंगे पुट x = 0। देखिए यहाँ पर 0 दिया गया। फिर लेंगे हम पुट x = 1। फिर हम लेंगे पुट x = -1। तो देखिए सब मैंने ये वैल्यू लिख दिया, x = 0, x = 1 और x = -1। चलिए 1 by 1 हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 लूँगा, यहाँ पर देखिए 3x - y = 2। x के ऊपर कितना पुट करूँगा मैं 0, 3, 0 - y = 2, 3 × 0, 0 - y = 2, माइनस इधर चल जाएगा y = -2। चलो ठीक है, इसमें आप इक्वेशन नंबर 1 लिए फिर से 3x - y = 2। अब x के ऊपर कितना पुट करेंगे हम 1, 3, 1 - y = 2, 3 × 3, -y = 2, +3 उधर चल जाएगा तो -3 हो जाएगा, -y = 2, -3, -y = 2 में से 3 गए -1, और -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y = 1। चलिए फिर से इक्वेशन नंबर 1 लेंगे हम 3x - y = 2। x के ऊपर कितना पुट करेंगे हम -1, 3 in bracket - 1 y = 2, 3 × 3, -3, देखिए +3, -y = 2, -3 उधर चल जाएगा -y = 2, +3 हो जाएगा -3 हो जाएगा, -y = 2 और +5, माइनस इसको चल जाएगा y = -5। तो देखिए हमने ये वैल्यू निकाल दिया, अब मैं लिख डालता हूँ यहाँ पर, देखिए y कितना आया 2, y कितना आया फिर से 1 और y कितना आया -5। अब इसे लिख डालते हम 0, 2, 1, 1 और -1, -5। ठीक है, अब चलिए इस इक्वेशन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बताने का रह गया कि यहाँ पर जो ये वैल्यू दी गई है, देखिए ये जो माइनस था यहाँ, ये माइनस इसको चल जाएगा, यानी ये माइनस वाई, ये जो माइनस था ना, ये माइनस इसको आ जाएगा। तो मैं फिर से एक बार इसको क्लियर करके लिख डालता हूँ, मैं इरेज कर देता हूँ इसे, ठीक है। और देखिए -y = 2 बचेगा, तो -y इधर चल जाएगा, y = -2 चल जाएगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा पता है आपको, -2 आ जाएगा, इतना क्लियर कर लेना, ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करते हैं अब हम, टेकिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, टेक इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारे, उसमें 2x - y = 3। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुट x = 3, पुट x = 2। देखिए ये 2 यहाँ पर सेकंड में टेबल में, देखिए पुट x = -1, ये हमने मन से वैल्यू ली है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इक्वेशन नंबर 2 लिखो 2x - y = 3। x के ऊपर हम कितना पुट करेंगे 3, 2, 3 - y = 3, 3 × 6 - y = 3, +6 उधर जाने दो, -y = 3, -6, -y = 2, बड़े 6 में से 3 गए, -3, -, क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y = कितना जाएगा, +3। तो इसको बाद में लिखते हैं हम। चलिए इक्वेशन नंबर 2 फिर से लिए 2x - y = 3। अब x के ऊपर कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 2 in bracket 2, x के ऊपर 2 पुट कर रहे हैं, -y = 3, 2 ×
फोर माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री, फोर को उधर जाने दो, माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस फोर उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस फोर, माइनस वाई इज इक्वल टू तो माइनस वन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा वन आ जाएगा। आप क्या लेंगे हम यहाँ पर टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री, एक्स के ऊपर कितना पुट करेंगे माइनस वन, माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री, वैल्यू पुट करते जाओ उसमें, टू वन ज़ा टू, माइनस टू माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री, माइनस टू को उधर जाने दो, माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री प्लस टू हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा फाइव, थ्री और टू फाइव हो जाएगा, और वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव, ये वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है। तो चलिए वैल्यू हम यहाँ पर लिख डालते हैं, आप यहाँ पर कितना निकला देखिए, ये पहली वाली वैल्यू हमारी वाली y इज इक्वल टू थ्री आया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना थ्री कॉमा थ्री, ये टू, ये y देखिए वन आया, यहाँ पर टू कॉमा वन, ये देखिए कितना आया माइनस फाइव, माइनस वन कॉमा माइनस फाइव, ठीक है, तो ये वैल्यू हमने निकाल दी। आप चलिए इसमें हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया हूँ, चलिए आप लेते हैं पहला टेबल का इक्वेशन का हम लेते हैं, तो देखिए जीरो कॉमा माइनस टू कितना है जीरो कॉमा माइनस टू, ठीक है, तो ये जीरो कॉमा जो माइनस टू आया हुआ है हमारा, एक बार इसे चेक कर लेते हैं हम, देखिए ये जो वैल्यू रहेंगी हमारी पहली वाली ये एक्स की वैल्यू रहेंगी, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स और ये वाई, ऐसा तो ये पॉइंट लाइन पे रहते हैं, ये जीरो एक्स, वाई का देखिए ये माइनस टू, ठीक है, मैं इसे राउंड कर देता हूँ, ठीक है, आपको ध्यान में देखिए इधर ध्यान दिए, ये एक्स की वैल्यू वन और ये वन, ये देखिए यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, उसके बाद में माइनस वन कॉमा माइनस फाइव, माइनस वन, ये देखिए माइनस वन कॉमा माइनस फाइव, ये माइनस वन और ये माइनस फाइव, ये देखिए, ठीक है, ये लाइन इस तरह, अब इसको हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे इसे हम जोड़ देंगे, थोड़ी मैं फिर से बड़ी बना लेता हूँ एक बार लाइन ये, देखिए इस तरह आ रही है लाइन ये, ठीक है, पॉइंट का थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, तो आगे देखिए हम इसको आगे देखते हैं कि ये किस तरह कहाँ पर ये ज्वाइन होती है। अब देखिए दूसरा देखिए, ये दूसरा जो थ्री कॉमा थ्री है कितना है थ्री कॉमा थ्री है, प्लस थ्री है, प्लस थ्री है, ये थ्री कॉमा थ्री, ये देखिए थ्री कॉमा थ्री, उसके बाद में सेकंड हमें दिया गया है इसमें टू कॉमा वन, टू कॉमा वन, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये टू और वन, ठीक है, बाद में माइनस वन, माइनस वन माइनस फाइव, ये देखिए ये माइनस वन माइनस फाइव, तो ये लाइन इस तरह बन रही है, देखिए ये लाइन इस तरह बन रही है, देखिए आ गया समझ में, तो ये जो पॉइंट था हमारा, ये जो पॉइंट बन रहा है, ये देखिए मैं एक बार इसको डॉट रेड से कर डालता हूँ, देखिए ये पॉइंट देखिए और ये पॉइंट देखिए, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर कितना आ गया माइनस वन, माइनस वन कॉमा माइनस फाइव, ये एक्स और ये वाई की वैल्यू। तो देखिए अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वॉचिंग फॉर आवर चैनल।